राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री साइड न्यूज। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन के सामने खुला आधुनिक मेट्सो पैथ लैब्स, पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी मानक को पूरा करते हुए पटना के बड़े पैथोलॉजी डॉक्टर रवि प्रभात के नेतृत्व में मेट्सो पैथ लैब्स का आज उद्घाटन हुआ। मेट्सो पे हमने बहुत ही सारे न्यू मशीन लगाए हैं, जितने भी एडवांस मशीन हैं वो सारे हैं। हमने यहाँ पे ह्यूमन का बायोकेमिस्ट्री मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आपको जो है, आप इसमें रिपोर्टिंग की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर है। इसमें आपको इसमें सिर्फ सैंपल को आपको पुट करना है। सैंपल पुट करने के बाद ये सारा चीज़ आपका प्रोग्राम फिक्स्ड है। इसमें आप प्रोग्राम जो जो सेलेक्ट करते जाएंगे वो सारी टेस्ट को आपको परफॉर्म कर करके फाइनल रिजल्ट आपको एक मिल जाता है, आपको पूरा रिजल्ट मिल जाता है। इसमें इस रिज़ल्ट को हमने डायरेक्टली LIS से करके अपने सॉफ्टवेयर में इनपुट किया हुआ है। जो भी रिपोर्टिंग है, जो इसका वैल्यू आ रहा है, ये मशीन हम डेली कैलिब्रेट करते हैं, इसको स्टैंडर्ड से हम लगाते हैं। सारी जो भी रिज़ल्ट आएगी वो सारे का सारा रिज़ल्ट आपके हमारे जो सर्वर है उसमें आ जाता है, वहाँ से आपका रिपोर्ट डायरेक्टली इनपुट हो जाता है। इसमें कहीं भी कोई मैनिपुलेशन या कहीं भी किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ करने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। इसी तरह से हम आते हैं तो हमारे पास जो भी क्लिया मशीन है, हमारा मैग्लोबी 800 का, ये मशीन जो है आपका हार्मोन, सारा कैंसर मार्कर वगैरह, ट्रिपल मार्कर वगैरह सारी चीज़ें हम करते हैं, ह्यूमरेसेंस बोलते हैं इसको। तो ये जो मशीन है ये भी सेम उसी तरह से काम करता है। ये LIS से इनपुट है किया हुआ है। इसमें हमने सैम्पल को पोर्ट किया, पोर्ट करने के बाद जो भी टेस्ट हम सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट करते ही वो सारा परफॉर्म कर करके हमारे सिस्टम से अपडेट होकर के डायरेक्टली पेशेंट के प्रोफाइल को भर देता है वो। तो डॉक्टर प्रभात के नेतृत्व में मेट्सो लैब का आज परिचालन शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? पैथोलॉजी लैब का, एक अच्छे लैब का होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे चिकित्सा के लिए कहेंगे कि रीढ़ की हड्डी है। बिना एक अच्छे लैब के बिना किसी का भी इलाज करना संभव नहीं है। तो आपके एरिया में एक अच्छी पैथोलॉजी का लैब का होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जो पाटलिपुत्र के वासी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमने एक फुली ऑटोमेटेड और बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट के साथ हमने अपना लैब शुरू किया है। यहाँ पे हम सारी चीज़ों की जांच करते हैं, सारा टेस्ट हमारा इन हाउस है। कोई भी टेस्ट के लिए आपको कहीं बाहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम टेस्ट जो पॉसिबल है हम एक टैट के थ्रू, टैट इन द सेंस कि एक जो टाइम लिमिट होता है उसमें हम करके देते हैं, सेम डे में आपको सेम अच्छी रिपोर्ट देते हैं। डॉक्टर साहब, पटना के बेस्ट पैथोलॉजिस्ट में आप माने जाते हैं, आप पाटलिपुत्र में जो आप ये लॉन्च हुआ है मेडसो, तो यहाँ आम जन को क्या लाभ पहुँचाने जा रहे हैं? आम जन को इसमें क्या है कि आपकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी है। हम अभी अपने शुरू किया है इस लैब को, विद इन अ 6 मंथ्स हम इसको NABL के लिए हम एक्रेडिटेड कर देंगे। NABL का मतलब ये होता है कि आप अगर जो जांच यहाँ करा रहे हैं, अगर सेम जांच आप कहीं CMC में कराएं, एम्स में कराएं, या जो भी NABL से एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम रिपोर्ट आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अगर यहाँ जाँच करा रहे हैं तो आपको जो एम्स की क्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, जो CMC वाली है, CMC वेल्लोर वाली है, वो सारी क्वालिटियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आपकी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है इन सब चीज़ों से। जहाँ पटना में जांच के नाम पे लूट है, तो आप आम जन को क्या फी में, जो फी जो होता है उसमें क्या लाभ पहुँचाने जा रहे हैं? देखिए, अभी हमने शुरू किया है, हम एक जो लैब का बेसिक खर्च होता है हम अभी पेशेंट से सिर्फ वही चार्ज करने वाले हैं। हमारा एम यहाँ बिजनेस का नहीं है, हम एक्चुअली हम लोग जनमानस तक पहुंचने के लिए इस लैब को इस्टेब्लिश किया है हमने। तो हमारा मेन उद्देश्य जो है वो है जन जन तक पहुँचना। जी, पटना के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मैडम। मैडम, आप उद्घाटन में मुख्य अतिथि के तौर पर आप पटना पहुंची हैं मेट्सो लैब में, आप क्या अपील करेंगे मैडम? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूनम कुमारी है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मुझे भी इस लैब के उद्घाटन में बुलाया गया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कोई भी बीमारी है, कोई भी हो, पहले उसका डायग्नोसिस अगर सही होगा तभी आप सही ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और डायग्नोसिस अच्छे के लिए अच्छा लैब होना ज़रूरी है। बहुत सारे लैब खुले हैं, बहुत सारा ही खुला हुआ, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी वहाँ पर MD पैथोलॉजिस्ट होते हैं या नहीं होते ये आम लोगों को पता नहीं चलता। वो केवल बड़े बड़े लैब ये सब के नाम पर जाते हैं, अब उसके अंदर की बात पता होना, जन जन तक को ये पता होना कि हाँ ये लैब अच्छा है, यहाँ पे MD पैथोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे जांच सही तरीके से होगी, ऐसे ही रिपोर्टिंग नहीं की जाती, ये होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अगर कोई भी बीमारी है, अगर आपका बीमारी का रिपोर्टिंग सही नहीं हो, जैसे मान लीजिए HIV है, HBsAg है, कुछ भी, अगर हमने उसको पॉजिटिव नेगेटिव देना, केवल पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख देना इम्पॉर्टेंट है, उसका सही तरीके से जांच होना, फिर उसके बाद ही उसका सही ट्रीटमेंट हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ लैब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट में। थैंक यू। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची डॉक्टर पूनम ने साफ साफ पटना वासियों को बता दिया कि आप जांच के दौर में जांच कराते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, कहीं भी पैथलॉब में पहुंच जाते हैं। बड़ी जानकारी मेडसो लैब के उद्घाटन पर डॉक्टर पूनम ने दिया, जहां पे MD पैथोलॉजी ना हो वहां जांच ना कराएं। डॉक्टर साहब, आपके सानिध्य में पटना का लॉन्च हो रहा है पाटलिपुत्रा में, इसके बाद और क्या आपके आगे बढ़ने का तैयारी है? हमारा आगे का लक्ष्य ये है कि हम पहले मेडिसो को यहाँ पे स्थापित करने के बाद हम पटना के हर क्षेत्र में अपना लैब को एक्सपैंड करें, हम अपनी सुविधाओं को जन जन तक पहुँचाएँ और एक उचित मूल्य पे पहुँचाएँ, ये हमारा उद्देश्य है। और पटना ही नहीं, हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आगे बढ़ेंगे और इसको एक जन जन तक, बिहार वासियों तक पहुँचाना हमारा मेन उद्देश्य है। तो पटना के बेस्ट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात को आप सुन रहे थे, मुख्य ऑफिस इन्होंने और अपना पैथोलैब मेडसो पाटलिपुत्रा में लॉन्च किया है। तेज प्रताप जी बिहार के पर्यावरण मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। इन्होंने साफ साफ पटना के जनमानस को कह दिया कि अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सही जांच मेडसो लैब में उपलब्ध है। हमारे सहयोगी सूरज के साथ कौशलेंद्र पटना से।